सभापति जी, मैं आरके सिंह पटेल जी का भी धन्यवाद करता हूं, उन्होंने अपना वक्तव्य थोड़ा समेट लिया आज। वास्तव में प्रारंभ में ही मैं हमारे पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी का मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का महत्वपूर्ण विषय उसका प्रवर्तन इस लोकसभा के अंदर कराया। बेशक समस्या स्थानीय रूप से उन्होंने अपने क्षेत्र की बताई, केन बेतवा को जोड़ने की बताई, अन्ना पशु उसके संबंध में चर्चा की, परंतु इस चर्चा के बहाने पानी की जो समस्या है और आवारा पशुओं की जो समस्या है और जो आज बहुत सीमा तक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, उसके ऊपर चर्चा को उन्होंने प्रोत्साहित किया। और हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में इस पर हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत अध्ययन के साथ बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं सदन को उपलब्ध कराई है। देखिए, पानी का क्या महत्व है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद बुंदेलखंड ही है। हमारे उपनिषद में तो कहा गया कि जलम वही जीवनम, विज्ञान भी मानता है किसी कहीं किसी उपग्रह पर किसी ग्रह पर कोई जल है तो समझते जीवन जरूर होगा। यानी जो सभ्यता की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से, विरासत की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र था, अत्यंत संपन्न क्षेत्र था, पानी की अनुपलब्धता के कारण से वहां क्या स्थिति पैदा हो गई है, इसलिए हमको ध्यान में आता है कि पानी का वास्तव में हमारे जीवन के लिए कितना महत्व है। जो सामान्यतः आज भी जहां पानी उपलब्ध है, बहुत बहुत क्यों लोग जागृत नहीं है। अब मैं तो मेरठ से आता हूं, मेरठ गंगा यमुना का दुआबा है, वहां पर पानी की कठिनाई को सोच भी नहीं सकता था, परंतु आज वहां भी पानी की कठिनाई है। वहां भी मेरे जो मेरठ जिला है 13 ब्लॉक में, 13 में से 7 ब्लॉक वहां भी डार्क जोन बन चुके हैं। ये पानी के संकट की स्थिति है। और मैं इसलिए अभिनंदन करता हूं पुष्पेंद्र जी का कि इस समस्या को उन्होंने इस स्तर के ऊपर उठाने में मदद की है। सरकार हमारी बहुत जागृत है, जागरूक है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम लोग एक समग्र दृष्टि के साथ सभी समस्याओं का ध्यान लेकर के देश के अंदर योजनाओं को चला रहे हैं। पहली बार एक कैबिनेट मंत्री के साथ जल शक्ति मंत्रालय का सृजन हुआ है। इसीलिए हुआ है कि जल से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको समग्र रूप में देख करके उसका हल करने का हम लोग प्रयास करें। जो इसमें विषय हमारे माननीय सांसद जी ने रखा केन बेतवा का या नदियों को जोड़ने का, मैं भी ये मानता हूं, अभी हमारे कुछ अन्य सदस्यों ने इस बात को कहा कि नदियों के जोड़ने से कुल मिलाकर के पानी का संकट तो संभवतः नहीं खत्म होगा। ये जरूर है कि सिंचित क्षेत्र का विस्तार होगा यदि नदियां जुड़ जाएंगी, कुछ बीच में नहर जैसी चीजें हमें निर्माण करनी पड़ेंगी, तो उसके कारण से जो पानी की जो उपलब्धता है ऐसे क्षेत्रों को हो जाएगी जहां अभी तक वो नहीं थी। मैं खुद फिर यदि मेरठ का उदाहरण दूं, हमारे यहाँ गंगा से इतनी नहरें निकली हुई हैं, उसकी जो उपनहरें निकली हुई हैं कि संपूर्ण क्षेत्र सामान्यतया नहर के या गंगा जी के पानी से वो सिंचित होता है। भूगर्भ जल का भी अब तो प्रयोग होने लग गया है, लेकिन मूलतः इन नहरों की वजह से सिंचित क्षेत्र का विस्तार हुआ है, वो तो उतने जरूर पूरा होगा। परंतु पानी का कुल जो संकट है उसके लिए मैं समझता हूं कि पृथ्वी की पानी को धारण करने की जो क्षमता धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, उसको हमको उसकी तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा। यानी मुझे ध्यान है 70 के दशक में मैं गांवों के अंदर जाता था, मेरी पृष्ठभूमि माने मैं संघ का बहुत समय तक कार्य करता रहा हूं प्रचारक के रूप में, तो गांवों में जाता था मैं, तो कहीं पर भी बरसात के दिनों में खास तौर से कुओं में 1-1.5 हाथ लंबी रस्सी आप ले लीजिए और पानी निकाल लीजिए। अब पानी संभव नहीं है, अब और सारे कुएं सूखते चले जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि क्रमशः पानी को धारण करने की जो क्षमता है वो हमारे क्षेत्र के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो गई है। कुएं सूख गए हैं, जो तालाब हैं वो गाद से भर गए हैं, गंदगी से भर गए हैं। आज स्थिति यह है कि प्रत्येक गांव के अंदर तालाब एक प्रकार का कूड़ा घर बन गया है, उसकी कभी सफाई नहीं होती, उसके वजह से पानी थोड़ी बरसात होने के बाद भी सारे गांव के अंदर भर जाता है। और जब शहरों के अंदर भी देखें तो धारण क्षमता का अभाव इतना हो गया है, अब पानी के बरसने की मात्रा घट रही है,
लेकिन पानी की वजह से थोड़ी बरसात होने के बाद भी दिल्ली में क्या हाल होता है, मुंबई में क्या हाल होता है, कोलकाता में क्या हाल होता है, ये तो बड़े नगर हैं, मेरठ में या प्रयाग में या झांसी में, छोटे छोटे स्थानों पर भी इसी तरह से वाटर लॉगिंग हो जाता है, क्योंकि पानी की निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो संकट है, मैं समझता हूँ इसकी तरफ बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। और कई बार जैसे अभी हमारे अनुराग जी इस बात को कह रहे थे कि ये इसका जो IRR है वो +10+ है, मुझे लगता है कि इस बात की तरफ भी देखे जाने की जरूरत है कि पानी अनियंत्रित होकर के जब भरता है, सड़कों पर बहता है, तो क्या करते कितना नुकसान होता है, यानी इसका आकलन किया जाना चाहिए। मैं तो इस बात का जितने भी सिरे हो सकता है माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में ना आता हो, परंतु तो सरकार के क्षेत्र में सारे विषय आते हैं, इतनी सड़कें टूटती हैं, प्रत्येक वर्ष उस पर कितना रुपया खर्च करना पड़ता है, यानी पानी की व्यवस्था हम कर लें तो शायद आर्थिक दृष्टि से जहां हमको सिंध क्षेत्र मिल जाएगा, पेयजल को के लिए हमें जो व्यवस्थाएं करनी पड़ती है उससे हम थोड़ा बहुत बचेंगे, लेकिन जो नुकसान होता है उसके भी हमको कुछ निजात मिल सकती है, इसका भी आकलन किया जाना चाहिए। वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए आदर्श ग्राम, सांसद आदर्श ग्राम का विषय निकला, अमृत धान जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको उसके विषय में बताया, जो लॉन्चिंग कहते हैं उसको, वो की गई, तो उन्होंने एक बात कही कि हम एक गांव लें और वहां देखें कि सरकारी योजनाएं किस प्रकार से काम करती है, और हम सीधे काम करें तो हमको कुछ अनुभव आएंगे, और उन अनुभवों के आधार पर हम काम कराने में हमारी जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी, हमको भी अनुभव आएगा, हमारा सीधे जानकारी बढ़ी, ऐसे एक विषय उन्होंने रखा था। तो हम लोगों ने गांव लिए, हमने जो कुछ भी कर सकते हमने वो किया, अपने निधि से भी कुछ काम कराए, सरकारी योजना से भी कुछ काम कराए, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या गांव के अंदर ध्यान में आई, जिसका हमारे पास हल नहीं था, और जिस कारण से मैं ये भी कह सकता हूं कुछ अपयश भी मिलता था, गांव जो जो तालाब हैं उनको हम ठीक प्रकार से सफाई नहीं करवा पाए, उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, मनरेगा के अंतर्गत काम करें या कुछ 10-5-20 लोगों को इकट्ठा करके भी करें तो तालाब कुछ बड़े भी हैं, कुछ पर कब्जे भी हुए हुए हैं, लेकिन तालाब कुछ बड़े भी हैं तो उनमें आप बिना मशीन के उनकी सफाई कर ही नहीं सकते, ये स्थिति है। तो मैं इस चर्चा के माध्यम से इस बात का अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि आज तालाबों की सफाई प्राथमिकता पर है, पिछले कार्यकाल के अंदर भी मुझे ध्यान है कि मेरे जिले के अंदर 100 जो तालाब हैं वो चिन्हित किए गए, इनकी सफाई की जाएगी, लेकिन कुछ हो नहीं पाए इसी कारण से। तो तालाबों की सफाई को मिशन मोड में लेकर के मनरेगा पर केवल सीमित रखने से काम नहीं चलेगा, मिशन मोड में लेकर के उनको मशीनों से भी साफ करा करके, और तालाब यदि हम गहरे कराएंगे साफ कराएंगे तो धारण क्षमता जो पानी की है वो बढ़ जाएगी और उससे स्थायी समाधान की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वृक्षारोपण का विषय बड़ा पुराना है, उसको मैं ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ता समझता, कुल मिलाकर के मैं मानता हूं कि नदी के जोड़ना उसे नदी क्षेत्र का तो सिंचित क्षेत्र का तो विस्तार होगा, परंतु पानी की धरती की जो पानी को रोकने की क्षमता है जब तक वो निभड़ी तब तक जो है स्थिति नहीं सुधरेगी। जो अन्ना पशुओं की जो बात है, यहां कारण दूसरा होगा, किसी अन्य क्षेत्र में कारण दूसरा होगा, लेकिन पशु आवारा ये बहुत बड़ी समस्या है, यानी पिछले चुनाव के अंदर तो इसको थोड़ा बहुत मुद्दा भी के पर बना, किसानों को तकलीफ थी, हम पर उनको भरोसा था, हम उनको ये लगता था कि हम उसके इस समस्या का हल करने के लिए गंभीरता के साथ प्रयास रहते हैं, उन्होंने हम पर विश्वास किया, चुनाव का जो परिणाम आया वो सबको पता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चुनौती भी है, ये जो एक समस्या है ये एक बड़े समाधान की तरफ भी हमको लेकर के जाती है। आज स्थिति ये है कि हम जीरो बजट की जो बात करते हैं, जीरो बजट खेती की जो बात करते हैं, उसका आधार मूल मुख्य रूप से हम जैविक खेती की तरफ जाएंगे तभी वो जीरो बजट खेती का कंसेप्ट उसके अंदर आता है। जीरो बजट खेती होगी या कम बजट की खेती होगी उसके अंदर हम जैविक की तरफ जाएंगे तभी वो हो सकता है। आज के इतने पहलू हैं जो रासायनिक खाद प्रयोग करने की वजह से, पेस्टिसाइड प्रयोग करने की वजह से जहां धरती बीमार हुई है, पानी अशुद्ध हुआ है, पानी प्रदूषित हुआ है, यानी ये समस्याएं हैं हमारे सामने, ही धरती के जो क्षमता उर्वर क्षमता है उसको नुकसान हुआ है। तो यदि हम समग्र दृष्टि से सोचें, और ये सरकार की विशेषता है कि ये सरकार किसी भी समस्या को उसके एक आइसोलेटेड ढंग से विचार नहीं करती, उसके सारे पहलुओं पर विचार करती है। तो यदि हम गोबर का उपयोग धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं, यूरिया का या कृत्रिम जो ये रासायनिक खाद हैं उनका उपयोग धीरे धीरे कम करते चले जाएं, तो जहां एक और धरती की उर्वर क्षमता सुधरेगी, जहां पानी शुद्ध बना रहेगा,
जहां पर जो है भोजन के अंदर भी जो हमारे तत्व हैं वो अच्छे हो जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, हम लोग बचपन में कहा करते थे कि सेब को भाई बगैर छीले खाना चाहिए, छील के नहीं खाना चाहिए। अभी कोई छील देता था, आपने बातें सुनी होंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा उम्र में थोड़ा बड़ा हूं, लेकिन सबको ध्यान होगी ये बातें कि सेब के बारे में कहा जाता है छिलका छील दिया तो कहते अरे भी तुमने तो विटामिन तो इसमें, ऐसा तो मजाक करते थे। और बात मानी जाती थी कि सेब को छिलके के सहित खाना चाहिए, और बड़ी प्रसिद्ध कहावत हम लोग सुना करते थे एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। लेकिन आज स्थिति यह है यदि एक सेब छिलके के साथ खा लिया जाए, रोज खा लिया जाए, तो महीने भर के अंदर उसको डॉक्टर के यहां जरूर जाना पड़ेगा और उसको कोई सा भी रोग बीमारी हो सकती है, इसकी लगभग गारंटी उसके अंदर हो जाती है। तो जो खाद्य सामग्री है वो प्रदूषित हो रही है, जल है वो प्रदूषित हो रहा है, धरती है वो प्रदूषित हो रही है, और इसलिए ये जो हमारे पशु हैं इनके लिए एक, जैसा कि अभी योगी जी की सरकार का जिक्र हमारे आर के सिंह पटेल साहब कर रहे थे, इनके लिए चरागाह बनाए जाएं, इनके लिए ऐसे स्थान सुनिश्चित किए जाएं जहां पर ये पाले जाएंगे। और जैसे हम लोग रासायनिक खाद के ऊपर सब्सिडी देते हैं, सरकार उन विषयों के ऊपर सब्सिडाइज करे, वो वहां पर जो है उस प्रकार की खाद बनाई जाए, वर्मी जो पोस्ट उसका निर्माण हो और उसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के एक समग्र रूप से यदि इसका हम विचार करेंगे तो हमारी धरती भी अच्छी हो जाएगी, पशुओं की भी चिंता हो जाएगी, खाद भी का भी निर्माण हो जाएगा, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग को भी कम कर सकेंगे, हमारे जो खाद्य सामग्री वो भी ठीक हो पाएंगी। यानी ऐसा इस चुनौती को यदि अवसर के रूप में करें तो मैं समझता हूं इसका उपयोग होगा। मैं पुनः चंदेल जी के द्वारा इस चर्चा को शुरू करने के लिए उनको धन्यवाद देता हूं, और आपने मुझे अवसर दिया, मैंने कोशिश की है कि बहुत कम समय में अपनी बात पूरी कर सकूं। नहीं, एक और वक्ता आ जाएंगे, मैं बहुत पुनः आभार करता हूं, तो बहुत बहुत धन्यवाद।